नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्य ठाकुर। पहली नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कारण इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी की इतनी कम सीटें आने की वजह कौन है। कोई वसुंधरा राजे का नाम ले रहा है तो कोई सीएम भजन लाल का। इसी बीच सीएम भजन लाल ने एक बड़ा फैसला कर दिया है। सीएम ने कहा है कि गहलोत सरकार में भर्ती हुए कर्मचारियों की होगी जांच और अगर फर्जीवाड़ा पाया गया तो कड़ा एक्शन भी होगा। भजन लाल सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भर्ती हुए कर्मचारियों की जांच का निर्णय लिया है। सरकार जांच कर ये पता लगाएगी कि परीक्षा देने वाला व्यक्ति ही नौकरी कर रहा है या नहीं। भजन लाल सरकार ने जाँच का ये आदेश भी जारी कर दिया है। इंडिया ब्लॉक केंद्र में सरकार बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और इसके लिए उन्होंने जेडीयू से संपर्क भी किया है। इस सवाल के जवाब में जेडीयू के लीडर केसी त्यागी ने कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने किसी भी ऐसी बात को सिरे से नकार दिया है, वरना प्रपोजल तो यहाँ तक आए थे कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनाया जाए और ऐसे प्रपोजल उन लोगों की ओर से आ रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने तक से इनकार कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी खत्म की। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या कांग्रेस के साथ मंच शेयर करने के लिए भी तैयार नहीं थे। राजस्थान लोकसभा चुनाव में 25 में से 11 सीटें गंवाने वाली बीजेपी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसते हुए कृषि मंत्री किडोरी लाल मीणा के इस्तीफे की बात की, फिर दोहराते हुए कहा कि वे किडोरी लाल मीणा को अच्छी तरह जानते हैं, वे कभी थूककर नहीं चाटते। यदि उन्होंने कहा है तो वो पक्का इस्तीफा देंगे, तो जरूर देंगे और देकर वापस भी नहीं लेंगे, फिर भी उनकी मर्जी या पार्टी की है। जो मैं पूरी तरह के आश्वस्त हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जो कह देता है वो थूक के नहीं चाटता है, इसलिए वो पक्का इस्तीफा देगा और वापिस भी नहीं लेगा, ये मैं जितना जानता हूँ। राजस्थान में नागौर सीट से आरएलपी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और लोकसभा इलेक्शन में हनुमान बेनीवाल भारी वोटों से जीते। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के एनडीए में जाने की बात चल रही है। इसी बीच हनुमान बेनीवाल पर सचिन पायलट का बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा कि वे कहीं नहीं जाएंगे, बेनीवाल इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। पायलट ने कहा भाजपा के पहले 303 सांसद थे जो कि इस बार 60 में से 70 कम हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल का कहना है कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की 2 मीटिंग हो चुकी हैं लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। मीटिंग में नहीं बुलाने जाने पर बेनीवाल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की कि जनता ने जो जनादेश मुझे दिया, जनता ने वो ये दिया है कि एनडीए के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी, वो लड़ाई में लड़ूंगा, लेकिन मुझे ये शिकायत है कि इंडिया एलायंस की बैठकों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कहने पे जानबूझ के मुझे अपमानित किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल इन चीजों की परवाह नहीं करता, वो अकेला ही चला था, आगे भी हिम्मत रखता है, ताकत है मेरे अंदर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद सीएम भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड पर आ गए हैं। सीएम ने वादे के मुताबिक किसान संबल राशि 2,000 रुपए बढ़ा दी है। पहले किसानों को 6,000 रुपए मिलते थे, अब बढ़कर 8,000 रुपए मिलेंगे। बता दें कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसान संबल राशि 8,000 रुपए देने का वादा किया था। इसकी जानकारी खुद सीएमओ ने साझा की है। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपए बढ़कर 8,000 रुपए कर दी जाएगी। राजस्थान में पिछले करीब 2 दशक से लगातार खराब प्रदर्शन में चल रही माकपा ने गठबंधन के सहारे बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। माकपा ने देश भर में 52 सीटों पर लोकसभा के चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन माकपा को 4 ही सीटों पर जीत हासिल हो सकी। इसमें राजस्थान की सीकर सीट भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से माकपा का स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो लगभग 8% रहा। कांग्रेस में गठबंधन के बाद माकपा को सीट देने का बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि खुद कांग्रेस के कई नेता माकपा को सीट देने के लिए विरोध में थे, लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने गृह जिले के सियासी हालातों को भांपते हुए सभी नेताओं को इसके लिए सहमत कर लिया।
राजस्थान में भजनलाल सरकार बजट सत्र में घोषित मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत वंचित वर्गों में बच्चों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान गरीबों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का बड़ा ऐलान किया था। भजनलाल सरकार इस योजना को 1 जुलाई से लागू करने जा रही है। भाजपा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गई है। कार्यक्रम के दूसरे देशों के नेताओं को भी आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू भी शामिल होंगे। दरअसल राष्ट्रपति कार्यालय में शिष्टाचार भेंट के दौरान मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावर ने डॉक्टर मोहम्मद मोइजू को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण पत्र सौंपा था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कंगना रनौत को महिला CISF कांस्टेबल ने जोरदार थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद कंगना रनौत ने उन लोगों पर नाराजगी जाहिर की है जो कांस्टेबल का सपोर्ट कर रहे हैं। कंगना ने ट्वीट कर आज उन सभी लोगों की आलोचना की जो कांस्टेबल की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसने चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था। एक सख्त टिप्पणी करते हुए रनौत ने पूछा कि क्या घटना का समर्थन करने वाले लोगों को कोई भी आपत्ति होगी यदि किसी के साथ बलात्कार या हत्या की गई हो तो। मौसम विभाग ने राजस्थान में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि 8 और 9 जून को राजस्थान के 6 संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। इन संभाग में करीब 31 जिले आते हैं। इसके साथ ही कुछ जिलों में धूल आंधी भी देखने को मिलेगी। मौसम केंद्र जयपुर ने अपडेट दिया है कि 10 जून को राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग में कुछ जिलों में आंधी बारिश की संभावना हो सकती है। दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।